शेखर मुझे नहीं पता था तुम इतने बेशर्म हो। उस दिन जो हुआ उसके बावजूद तुम फिर मुझसे मिलने चले आए। किरण मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहती, प्लीज प्लीज तुम यहां से चले जाओ। किरण मेरी आंखों में देखो, देखो मेरी आंखों में, जो कुछ तुमने देखा था वो सब का सब झूठ था और जो तुमने सुना वो भी झूठ था। सच तो सिर्फ ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मेरा विश्वास कर रही हो ना किरण? दिल तो करता है कि विश्वास करूं, मगर जो सब हुआ है उसके बाद। किरण प्लीज मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो। शेखर तुम रो रहे हो? किरण तुम कितनी अच्छी हो। शेखर ये सब क्या है? कौन थी वो लड़की? क्या है ये सब? किरण ये सब समर गुप्ता की चाल है। क्या? हाँ, वो आदमी तुम्हारा प्यार पाने के लिए पागल हो गया है। मैं तुम्हें सब बताता हूँ। दरअसल वो लड़की अगर तुम लोग देखती तो हैरान हो जाती कि क्या डांस किया आंटी ने। सच मिसेस दीक्षित, हमें नहीं पता था कि अरे बाबा मैं खुद भूल गई थी। ये तो वो लड़का क्या था, क्या नाम था उसका? निखिल ने मुझे किरण, शेखर यहां क्यों आया था? और सोनाली, तुमने निखिल को यहां क्यों बुलाया था? मैंने तुम सबको मर्दों को यहाँ बुलाने की परमिशन क्या दे दी? इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम किसी भी मर्द को बुलाकर कुछ भी करती रहो। कुछ भी? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि मेरे प्यार का गलत फायदा उठाने की कोशिश मत करो। Is that clear? शेखर यहाँ क्यों आया था किरण? मिसेस दीक्षित, वो मुझे समर गुप्ता की असलियत बताने आया था। हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई है। किरण, यानी शेखर को वापस ले लिया? हाँ मीरा, शेखर की कोई गलती नहीं थी, वो समर गुप्ता से डर गया था। किरण मेरी एक बात समझ लो, ये लड़का शेखर तुम्हारे लिए एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा, देख लेना तुम। लेकिन मिसेस दीक्षित, अगर आपसे कोई सच्चे दिल से माफी मांगे और आपसे बार बार कहे कि वो आपसे कितना प्यार करता है, तो मेरे ख्याल से उसे माफ कर देना चाहिए। हाँ आंटी, और ना रवि मीरा के सामने रो कर कह रहा था, मर्दों के वादों की तरह उनके आंसू भी झूठ हो सकते हैं। अनु, तुम्हें अगला कदम उठाने से पहले बहुत सोच लेना पड़ेगा। हाँ लेकिन आंटी, कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों सोचती रह जाएं और तुम मुझे फिर से याद दिलाने की कोशिश कर रही हो कि मैं सिर्फ एक लैंड लेडी हूं, ठीक है? आंटी मेरा मतलब ये था। मिसेस दीक्षित, आई एम सॉरी, उस दिन मुझसे भी गलती हो गई थी। नहीं नहीं, ठीक है, तुम ठीक ही तो कह रही हो, मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आखिर मैं होती कौन हूं? बस एक लैंड लेडी तो हूँ। आंटी, 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 पंडित जी ये मेरी माँ जैसी है। अभी अभी इनका ऑपरेशन हुआ है, आप प्लीज इनके बारे में बताइए ना। सब ईश्वर की कृपा है, ये औरत बहुत ही नेक है, एक पुत्र की माँ है और अपने पति से अलग होकर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। परंतु इस औरत की वाणी बहुत ही कठोर, लेकिन दिल की बहुत ही निर्मल है। मैं समझी नहीं पंडित जी। आजकल के बच्चों को राष्ट्रभाषा का जरा भी ज्ञान नहीं है। हाँ तो मैं कह रहा था, ये औरत बोलती जरा कड़क है लेकिन अंदर से बिल्कुल नरम है। ये तो है। आठवें में मंगल
और 12वें में राहु ने ऑपरेशन का योग बनवाया, अब सब कुछ ठीक है। पंडित जी, अब इनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं, इस औरत की आयु संपूर्ण है, इसको कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, तेरे सर पर मंडराता हुआ खतरा मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। दो पुरुष हैं तेरे जीवन में, एक शत्रु और एक प्रेमी। एक तुझसे प्रेम करता है और एक तुझे बर्बाद कर रहा है। पंडित जी, ये तो मुझे पता है, पर आगे क्या होगा? बालिका, तेरे भाग्य में सुख और प्रेम दोनों में से एक है। अगर दिल की सुनेगी तो दुखी होगी, और अगर दिमाग से चलेगी तो सदैव सुखी रहेगी। पंडित जी प्लीज, थोड़ा और समझा के बताइए ना। बालिका, दिल की सुनना और दिमाग की करना, इससे अधिक हम और कुछ नहीं कर सकते। दिल और दिमाग, प्यार और सुख, समर और शेखर। मिसेस दीक्षित, अब कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। आई एम सो थैंकफुल टू यू ऑल। तुम लोगों ने मेरे लिए कितना कुछ किया। तुरंत मुझे हॉस्पिटल ले गए, रातों रात मेरा ऑपरेशन भी करवा दिया। पता नहीं ये कर्जा कैसे चुका पाऊंगी। ऐसी बातें मत कीजिए मिसेस दीक्षित, प्लीज। अगर हम में से कोई बीमार हो जाता तो आप भी हमारे लिए यही करती ना। जानती हो मीरा, मुझे हॉस्पिटल से इतना डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है जो हॉस्पिटल जाता है ना, कभी वापस नहीं आता है। घबराइए मत, माइनर ऑपरेशन था अपेंडिक्स का, सब ठीक हो जाएगा। हेलो आंटी। हेलो, बहुत अच्छे लग रहे हो आप तो। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तब मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे लड़की दे, और फिर रणदीप पैदा हुआ। मैं भगवान से इतनी नाराज थी, मैं कहती थी मुझे लड़की क्यों नहीं थी। तब मुझे पता नहीं था कि मुझे कभी इतनी अच्छी लड़कियां मिलेगी। मिसेस दीक्षित, आप हमें बेटियां भी कहती हैं और फिर ऐसी बातें भी करती हैं। हाँ, अच्छा मैं मंदिर गई थी, मैं वहाँ से चरणामृत लाई हूँ, आप थोड़ा सा ले लो। चरणामृत में ना बहुत शक्ति होती है, और ना भगवान के भजन होते हैं ना, उनमें भी बहुत शक्ति होती है। मैं आपके लिए बहुत सारे कैसेट लेके आई हूँ। जब मैं घर में नहीं होंगी ना, तो आप सुन लिया करना उसको। हाँ ऐसे। अच्छा, मेरा मन तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को जाना है, वो गुरुजी के साथ में गाना सीखना है ना, जाओ। जाओ। अच्छा, ये मैं यहाँ रख रही हूँ, और भी लेना। हाँ। और ख्याल रखना। सुनानी रुक, मुझे ऑफिस जाना है, मैं तुझे छोड़ देती हूँ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। मिसेस दीक्षित, मैं जाऊँ? हाँ जाओ, बाय। टेक केयर। तू है ना यहाँ? बाय। मैं जा रहा हूं। तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो? हाँ सुमित्रा। और मैं, हमारी शादी? हमारी शादी एक समझौता था जो हम दोनों ने किया था। जब तक मुझसे हुआ मैंने निभाया, लेकिन अब बस, अब और नहीं सुनते, मुझे आजादी चाहिए इस घर से, इस शादी से, तुमसे। आजाद होकर जाओगे कहां? तुम ये भूल रहे हो रवि कि वो लड़की और तुम दोनों मेरी कंपनी में नौकरी करते हो। जिस चेक से तुम्हें सैलरी मिलती है, उस चेक पर मेरे साइन होते हैं।
हम दोनों कुछ भी करेंगे, कुछ भी, मगर तुम्हारे पास नहीं आएंगे। I promise. कहना आसान होता है रवि, जब तक पैर जूते के अंदर रहता है तब तक उसे सड़क की गर्मी और रास्ते के कांटों का एहसास नहीं होता, पर जैसे ही पैर जूते के बाहर निकलता है तो दो कदम लेना मुश्किल हो जाता है। रवि, रवि तुम सोसाइटी में मेरी और अपनी बेइज्जती करने पे क्यों तुले हुए हो? तुम, तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारी इज्जत, तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है सुमित्रा कि मुझे क्या चाहिए? मैं तुम्हें जो कुछ दे सकती थी मैंने दिया है। देखो सुमित्रा, मैं तुमसे अलग जरूर हो रहा हूं लेकिन तुमसे दूर नहीं जा रहा। अगर तुम चाहो तो एक दोस्त के नाते मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा, पर प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, मुझे जाने दो सुमित्रा। रवि ठहरो, मैं जा रहा हूं। रवि, अगर तुमने आज इस घर के बाहर कदम रखा तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैं वापस आने के लिए नहीं जा रहा। रवि, 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 सो ऑल इज फाइनल। रणदीप, हमें बस और थोड़ी चीजें खरीदनी है। होल्ड इट रणदीप, तुम्हारे रेस्टोरेंट की कलर स्कीम ये रहेगी। व्हाई डू यू हैव अ प्रॉब्लम विद दिस कलर स्कीम? रणदीप, ये कलर स्कीम तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए बहुत डल है। तुम्हारा रेस्टोरेंट बहुत ग्लूमी लगेगा। ग्लूमी? एक्सक्यूज मी, व्हाट एग्जैक्टली डू यू नो अबाउट कलर्स? मीरा, मोनिका ने इंटीरियर डिजाइनिंग में कोर्स किया है, शी इज क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब। I'm just trying to help you. Randeep, this will not work. हमें तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, रणदीप से बात कर रही हूँ। और मैं तुमसे बात कर रही हूँ। You dare not speak to me like this. I'm warning you. Warning? What do you mean? Shut up. Both of you shut up. तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? तुम दोनों यहाँ मेरी हेल्प करने आई हो। Do you understand what is help? इसके बाद तुम दोनों आपस में किसी भी टॉपिक पर बात नहीं करोगी, सिर्फ मुझसे बात करोगी। ओके, इज दैट क्लियर? दैट्स कूल विद मी। सेम हियर। गुड, नाउ मोनिका यू विल स्पीक फर्स्ट। आई एम नॉट वर्किंग विद दिस स्नॉब। यू कॉल्ड मी अ स्नॉब, यू सिक माइंड। वॉच योर टंग ऑर एल्स। ऑर एल्स व्हाट? हां, गो टू हेल। यू गो टू हेल। रणदीप, तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? आई थॉट यू वर माई फ्रेंड। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस ऑफ यू रणदीप। आई एम रियली हर्ट। गुड बाय। आई एम ऑल्सो लीविंग। वेल डन शेखर, वेल डन। ये रखो तुम्हारा इनाम। लेकिन समर साहब, ये तो कुछ भी नहीं है भाई। रख लो, आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। नहीं समर साहब, इतने सारे रुपए, इनका मैं क्या करूंगा भाई? तुम दिल्ली जा रहे हो, नया शहर है तुम्हारे लिए, इनकी जरूरत तो पड़ेगी तुम्हें। रख लो, रख लो। वैसे ही तुम्हें लोगों से चीजें लेते रहने की आदत है। अच्छा समर साहब, चलता हूं। किरण, मैं मुंबई छोड़कर जा रहा हूं, फिर तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, इसलिए मैं आखिरी बार
तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे आखिरी बात कर चुकी हूँ। समर साहब, आपने कहा था आप सुबह फोन करेंगे, फिर आपने किया नहीं। मैं इतनी देर तक वेट करती रही। I'm sorry. किरण, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप ना जब कहते हैं कि फोन करेंगे तो प्लीज कर दिया कीजिए, नहीं तो मैं वेट करती रहती हूँ। आई गेट सो अपसेट। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। किरण प्लीज। तुम अभी तक यही हो? देख नहीं रहे मैं समर साहब के साथ बात कर रही हूँ? किरण, वैसे भी क्या बेरुखी, वो बेचारा शहर छोड़कर जा रहा है, उससे दो मिनट बात कर लो। वैसे भी मैं सिटिंग रूम में जा रहा हूँ, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स आए हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं। I'll see you. जुपिटर बिल्डिंग, फ्लैट नंबर 302, जुपिटर बिल्डिंग खार में है, तो मेरा वहीं इंतजार करो। मगर किरण, तुम यहाँ? अगर मगर कुछ नहीं शेखर, जाओ इसके पहले कि वो आदमी यहाँ आ जाए। इस आदमी ने हमें बहुत परेशान किया है। लेकिन किरण, हमको उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए। हम उसे जितना पैसा ऐंठ सकते हैं हमें ऐंठना चाहिए। शेखर प्लीज, बस प्लीज, मैं बहुत तंग आ गई शेखर, मुझे बहुत डर लगने लगा है, प्लीज शेखर। लेकिन किरण, हमें शेखर नहीं, मैं बहुत डर गई हूँ इस सब से, रहने दो। तुम्हारी गाड़ी का टाइम हो गया, जाओ टैक्सी गाड़ी। अच्छा किरण, चलता हूँ, बाय। डिनर के लिए चलें हम लोग शाम को? डिनर का इंतजार क्यों करें, लंच पे चलते हैं। आपका शैंग्रीला का एडवर्टीजमेंट नारी जाति का अपमान है। अगर आप इसे तुरंत बंद नहीं करती तो मैं और मेरी महिला संगठन आपके खिलाफ आंदोलन करेगी। मिसेस मेनन, मिस मेनन, हमारे यार्ड में ऐसा कुछ नहीं है जो On the contrary, it's... क्या ऐसा कुछ नहीं है? एक स्त्री होकर ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? आपके एड में एक स्त्री अपने अंगों का प्रदर्शन करती हुई दो गुंडों को रिझा रही है और आप कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं है? क्या यह नारी जाति का अपमान नहीं है? मिस्टर मेहता, अगर 24 घंटे के अंदर आपने ये एड वापस नहीं लिया तो मैं और मेरी महिला संगठन आपकी वो हालत करेगी कि आपको अपनी कंपनी में ताला लगाना पड़ेगा, समझे? देख लिया मिस श्रीवास्तव, ये है आपके कैंपेन का नतीजा। मिस्टर मेहता, आपको हमारे एड के बारे में पता था। It was with your consent that we went ahead. Advertising आपका प्रोफेशन है, मेरा नहीं। हाँ, मेरी ये गलती जरूर है कि मैंने आप जैसी नई नादान और बेवकूफ लड़की पर भरोसा किया। मैं आज ही इस कंपनी से अपना अकाउंट वापस लेता हूँ। एंड यू मिस श्रीवास्तव, आई थिंक यू आर इन रॉन्ग प्रोफेशन, बेटर चेंज इट। Don't feel bad, Anu. हमारे प्रोफेशन में ये सब चीजें तो होती रहती हैं। I'm sorry, Maya. Hello, Miss Maya. क्या मैं एक्टिंग में ठीक थी? महिला संगठन के अध्यक्ष के हिसाब से क्या मैं सफल रही? Perfect, Miss Menon. Thank you. Excellent.
अभी तो खेल की शुरुआत है ना।